यूट्यूब आप देख रहे हैं क्लासिक स्टोर। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम आने वाले न्यू सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स रिव्यू करेंगे टाइगर T20 रेजर V3 को। तो जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं, जो T20 की सीरीज है उसमें पहले T20 आया था, और अब जो फ़िलहाल उसी सीरीज़ में तकरीबन ऑलमोस्ट सेम, तो वो इस शेप जो है STB की वैसी है। और आजकल जो ये मॉडल चल रहा है, आप कह लेंगे तो स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, बिल्कुल बेसिक में, तो वो T20 रेजर V3 है। तो इसके हाइलाइटेड फीचर को अगर हम रिव्यू करें तो उनमें से एक ये है कि ये इसकी बॉडी एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड मेटल बॉडी वाले रिसीवर है, ना बहुत बड़ी और ना ही बिल्कुल मिनी के मुकाबले में छोटी है, बल्कि एक स्टैंडर्ड है। इसके अलावा इसमें बिल्ट इन IR सेंसर है, और इसमें बिल्ट इन वाईफाई नहीं है, बल्कि जैसे कि बॉक्स के ऊपर ये मेंशन किया हुआ है, तो वाईफाई USB टाइप डिवाइस जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह फ्रंट के ऊपर LED टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, और पावर और सिग्नल स्टेटस सिग्नल लॉक होने की सूरत में इंडिकेटर लैंप दिया हुआ है, और STB को ऑन ऑफ करने के लिए वो फ्रंट और बैक पे पावर बटन दिया गया हुआ है, और ये दो बटन चैनल चेंज करने के लिए, ठीक है। एक अदद HDMI केबल साथ दी जाती है, और इसमें एक रिमोट साथ में दिया जाता है, और डॉल्बी ऑडियो सपोर्टेड है, H.265 है, और 8000 चैनल स्टोरेज मेमोरी है, HEVC सपोर्टेड है, यूट्यूब वेदर फोरकास्ट और ऑनलाइन बहुत से फीचर ऐप हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें ये एक अदद रिमोट मिल जाता है, ठीक है, रिमोट अच्छी क्वालिटी का। इसके अलावा हमें एक अदद HDMI केबल मिल जाती है, उसके अलावा हमें ये एक नॉर्मल कैटेगरी का USB टाइप वाईफाई डिवाइस मिल जाती है, उसके अलावा हमें ये दो अदर AAA साइज बैटरी सेल मिल जाते हैं। सबसे पहले हमें एक अदर इसका यूज़र मैनुअल मिल जाता है, ठीक है। इस मैनुअल के अंदर इसके आप स्टार्टअप से पहले जो बेसिक इंस्टॉलेशन के फीचर हैं और बाकी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है उसको आप रीड कर सकते हैं। अब हम बॉक्स को अनरैप कर लेते हैं। तो ये दोस्तों STB का टॉप है, टॉप और उसके राइट और लेफ्ट साइड पर इसके वेंटिलेशन की स्लॉट दी गई है। फ्रंट पर अगर हम बात करें तो ये लेबलिंग हुई है ब्रांड की, ये IR सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। ये पावर और सिग्नल का, पावर का रेड कलर का इंडिकेटर लैंप है, और सिग्नल स्टेटस लॉक होने की सूरत में ग्रीन कलर का इंडिकेटर लैंप है। उसके अलावा ये चैनल चेंज करने के लिए बटन है, और ये बटन पावर ऑन ऑफ के लिए, ठीक हो गया। अब अगर हम बैक साइड पर बात करते हैं तो लेफ्ट साइड पर सबसे अंदर हमें जैक दिया हुआ डिश एंटीना को प्लग इन करने के लिए, दो अदद हमें USB पोर्ट्स दिए गए हैं, और एक अदद HDMI पोर्ट। उसके अलावा ऑडियो वीडियो केबल लगाने के लिए हमें पोर्ट दिए गए हैं। अगर आप इसको पुरानी STB के साथ लगाना चाहती हैं तो आप वहाँ पे इसे यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा हमें RS232 मिनी जैक दिया हुआ है, और पावर ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, और ये इसकी वारंटी सील है। तो एनी ये STB जो है, अगर आप मिनी ब्रेड में लेना चाहती हैं तो काफ़ी अच्छा है। डॉल्बी सपोर्टेड भी है, HEVC सपोर्टेड है, वाईफाई डिवाइस भी साथ दी गई हुई है, और बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप इस STB को पूरे पाकिस्तान में एडवांस पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको
सोना सास वाले रिप्लाई करेगी, और आपका इससे मतलब कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, एक शॉर्ट सी वीडियो थी। और अब हम डिवाइस को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका इंटरफेरेंस कैसा है। तब तक मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक आप सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।